नमस्कार आप सभी लोगों को, मैं भैरव मेवारी अवेयरमेंट डिफेंस अकेडमी हल्द्वानी से एक बार फिर आप लोगों के बीच में। आज मैं आपको बताऊंगा नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में। मैथमेटिक्स में संख्या पद्धति से हम स्टार्टिंग करते हैं कि नंबर किस किस प्रकार से अरेंजमेंट होते हैं और कौन कौन से नंबर को किन किन नामों से और किन किन क्रियाओं के साथ जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जनरली हम अगर नंबरों को रिप्रेजेंट करें तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में एक लाइन से ड्रॉ करते हैं। देखिए, एक लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन में हमने ठीक जस्ट इसके बिटवीन में जीरो ड्रॉ कर दिया। तो जीरो के इधर राइट साइड में जो होते हैं, इधर के पार्टीशन को हम पॉजिटिव नंबर बोलते हैं। इधर को हमारे पास नंबर कैसे होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे, लाइक 1, 2, 3, 4। दीज ऑल नंबर आर पॉजिटिव। ये सारे नंबर कैसे हैं, ये धनात्मक नंबर होते हैं यानी कि पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, ये कैसे नंबर होते हैं, ये पॉजिटिव नंबर होते हैं। इधर के नंबर अगर ये साइन गिवन नहीं भी है तो भी ये नंबर कैसे होते हैं, प्लस नंबर होते हैं। और जीरो जो होता है ना, तो ये पॉजिटिव होता है ना ये निगेटिव होता है ना। कहने का मतलब है जीरो नॉर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो ना तो निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। और जीरो के राइट साइड के नंबर बढ़ते जाते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। और जीरो के लेफ्ट साइड में, इधर की अगर हम बात करते हैं तो इधर के नंबर जो होते हैं -1, -2, -3, -4। दीज ऑल आर निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर क्या होते हैं, लेस देन जीरो, जीरो से छोटे होते हैं, है ना। और जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। अगर बात यहाँ पर आती है, -2 लिखा मैंने और यहाँ लिख दिया मैंने -6। अब मैंने -2 और -6 में मैंने बताया कि फिस नंबर इज ग्रेटर, फिस नंबर इज स्मॉलर। तो -4, -5 यहाँ आएगा, -6 सपोजेड यहाँ आएगा, और -2 कहाँ, यहाँ। तो -2 ऑलरेडी कहाँ है, राइट साइड में है। तो राइट साइड के नंबर क्या है, ऑलरेडी बिग होंगे देन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से। तो इसका मतलब -2 कैसा नंबर होगा, -2 इज द ग्रेटर नंबर होगा। कैसा होगा, ग्रेटर नंबर। अगर नेक्स्ट इसी पोजिशन में आता है, -2 और 0 में हिस्स नंबर इज ग्रेटर, इसमें कौन सा नंबर बड़ा होगा, -2 और 0 में हमारे पास क्या बड़ा होगा, अब 0 ग्रेटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि 0 राइट साइड में है, -2 लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पर क्या है, 0 ग्रेटर है। इसी के साथ साथ अगर ये नंबर आ जाता है यहाँ 0 और 5 में, तो सिंपल सी बात है, 5 पॉजिटिव है तो ये नंबर 5 ग्रेटर है। तो यानी कि हमने देखा पॉजिटिव नेगेटिव नंबर कहाँ होते हैं नंबर सिस्टम में, नंबर लाइन में कैसे नंबरों को रिप्रेजेंट करते हैं। और 0 नेगेटिव ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव नंबर है। उसके आगे ठीक आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर मतलब होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं जो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, ... इन्फिनाइट। यानी कि 0 से जो ग्रेटर नंबर होते हैं, 0 से राइट साइड की तरफ जो नंबर होते हैं, वो कैसे नंबर होते हैं, वो हमारे पास होल नंबर होते हैं, पूर्ण संख्याएँ होती हैं। ठीक है, अगर बात यह आती है कि सबसे छोटी है ना, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, सबसे छोटी पूर्ण जो संख्या होती है वो क्या होती है, वो 0 होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते, वो कोई भी बड़ा नंबर आ सकता है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ होल नंबर पूर्ण संख्या है तो ये हो गया। उसी के बाद आता है प्राकृत संख्या, क्या आती है, प्राकृत संख्या। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्याओं में क्या होता है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स वे संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, जो जनरली 1 से स्टार्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ... इन्फिनाइट। यानी कि प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स वे संख्याएं होती हैं जो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5, ... और पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याओं में क्या डिफरेंट है, पूर्ण संख्याएं 0 स्टार्ट होती है, होल मतलब कम्प्लीटली होल नंबर, और प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 जो होती है वो क्या होती है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। और उसी के साथ साथ सबसे बड़ी जो प्राकृत संख्या होती है वो उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। एक पॉइंट ये आ गया यहाँ पर, नोट, हम एक पॉइंट बता रहे हैं आपको। नोट क्या बता रहे हैं, इसमें हम ये लिख रहे हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी जो ये प्राकृत नेचुरल नंबर है ये ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है, देखो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं तो होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृत नहीं होती, क्योंकि 0 यहाँ है, 0 यहाँ नहीं है। अतः पूर्ण संख्याएं प्राकृत तो नहीं होती है, सभी की बात कर रहा हूँ, बाकी ये तो होती हैं 0 को छोड़कर। और सभी प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो अपने आप में पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये वाला पॉइंट अक्सर एग्जाम में
पूछा भी गया है अभी तक, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल कितने होते हैं, दो फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, केवल दो फैक्टर, दो गुणनखंड होते हैं। वे संख्याएं जिसके केवल कितने गुणनखंड होते हैं, केवल दो गुणनखंड होते हैं। जैसे मैंने दो लिखा, ये दो लिखा, दो को भाग करने वाली एक तो एक है ऑलरेडी, और एक केवल दो से ही इसको भाग किया जा रहा है। तो अपने आप में ये आपको दिखाई दे रहा होगा, दो जो है एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। वैसे दो क्या है, ये सबसे छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। एक तो क्या है, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। एक पॉइंट तो ये निकल के आया। दूसरा, दो एक अपने आप में सम संख्या भी है। दो अपने आप में क्या है, सम संख्या भी है। दो एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड केवल दो होते हैं। एक तो एक होता है, एक वो क्या होती है, सेल्फ होती है, वो स्वयं होती है। वो क्या होती है, अपने आप में एक स्वयं भी होती है। सपोज दैट मैं और संख्या लिख लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा तीन, तो तीन है अपने आप में, क्योंकि एक से भी भाग होता है इसमें, तीन से भी भाग होता है, तो तीन भी अपने आप में प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। लेकिन चार हम देखते हैं, देखो चार मैंने लिखा, अब चार में हम फाइंड करना चाह रहे हैं, चार में एक से भी भाग जा रहा है, दो से भी भाग जा रहा है, और ऑलरेडी चार से भी जा रहा है, तो इसके एक दो तीन गुणनखंड निकल गए। तो चार एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके एक से दो से अधिक फैक्टर निकल रहे हैं, दो से अधिक फैक्टर हैं इसके। तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल, जिसके केवल क्या होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, और सबसे पहली जो हमारे पास अभाज्य संख्या होती है वो दो होती है, और दो एक अपने आप में सम संख्या भी है ना। उसी के साथ साथ एक पॉइंट यह आता है कि सौ से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, तो सौ से कम जो होती है वो 25 होती है। सौ से कम कितनी अभाज्य संख्याएँ होती हैं, सौ से कम 25 अभाज्य संख्याएँ होती हैं, ठीक है। अगर बात करें 9 की, तो 9 अपने आप में जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 9 1 से भी डिविजिबल है, और 3 से भी है, और 9 से भी है, तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे अगर 11 की बात करें, तो 11 अपने आप में क्या है, 1 से डिविजिबल है, और केवल 11 से डिविजिबल है, तो 11 अपने आप में क्या है, एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में केवल कितने गुणनखंड निकलेंगे, दो निकलेंगे। अगर दो से अधिक निकलेंगे तो अभाज्य नहीं निकलेंगे। एक से लेकर 100 तक की संख्याओं को अगर हम देखें, काउंटिंग लिखें 1 से लेकर 100 के बिटवीन में, तो वहाँ पर अगर हम उसको देखें, तो वहाँ पर हमारे पास 25 जो होंगे वो प्राइम नंबर निकल के आएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये प्राइम नंबर समझ में आया होगा, और अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, उनके दो से अधिक गुणनखंड नहीं होते, केवल दो ही होते हैं। अब बात एक की करें, तो एक नहीं है अपने आप में, क्योंकि एक में क्या है, केवल एक का ही तो भाग जा रहा है ना, केवल एक में दो दो गुणनखंड है ही नहीं एक के, तो एक अपने आप में अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए, 100 से कम जो अभाज्य संख्याएं थी उनकी संख्या कितनी थी, 25, तो मैंने उन संख्याओं को भी मेंशन कर दिया, 2, 3, 5, 7, 11, 13 से लेकर ये सारी है ना। तो टोटल काउंट करेंगे तो कितनी संख्याएं होंगी, 25 संख्याएं हैं, ठीक है। ये भी आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ आगे हम देखते हैं, सहअभाज्य संख्याएं जो आते हैं, तो खाली अभाज्य संख्या थी, यह सहअभाज्य मतलब को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। जैसे हमारे पास 2 और 3 है, 2 और 3 को केवल देखो, तो इनको डिवाइड करने वाला केवल एक 1 से ही इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इनका एचसीएफ क्या है ऑलरेडी, इनका जो एचसीएफ वो क्या है, 1 है। 5 और 7 को भी डिवाइड करने वाली एक संख्या बस क्या है, ऑनली 1 है। ये सब एक पेयर टाइप के होते हैं, दो दो संख्याओं का पेयर बनेगा, तो ये अपने आप में क्या है, को प्राइम नंबर। वे संख्याएँ होती हैं जिनका क्या होता है, केवल एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। जैसे इसमें भी नहीं बन पा रहा है ना, इसमें 20 कितना है, 21 एंड 65 को हम देखें, ये संख्या भी अपने आप में क्या है, वही है, इनमें भी एचसीएफ 1 ही आएगा, तो ये भी अपने आप में क्या है, को प्राइम नंबर है ना। को प्राइम वो होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है, उन दो संख्याओं का पेयर जिसमें केवल एक से डिवाइड होगा वो क्या कहलाएगी, सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। उसके बाद एक आता है इवन नंबर, सम संख्या है, इवन नंबर, इवन सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो क्या होती हैं ऑलरेडी 2 से डिविजिबल होते हैं। 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं कैसी होती हैं, ये संख्याएं अपने आप में 2 से विभाजित होती है, तो ये सम संख्या कहलाती है। इसी के साथ साथ ऑड नंबर होता है, इवन संख्या है ना, विषम संख्या है, विषम संख्या है, ये वे संख्याएं होती हैं जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होती हैं। जैसे हमारे पास 1, 3,
फाइव सेवन है ना, ये संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, समझ में आया ना। तो मैंने आपको नंबर सिस्टम में आप बताया नंबर लाइन में कैसे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद मैंने सबसे पहले होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं बताई आपको, उसके बाद फिर मैंने प्राकृत संख्याओं के बारे में नेचुरल नंबर के बारे में बताया था, उसके बाद फिर मैंने आपको किसके बारे में बताया था प्राइम नंबर के बारे में बताया था, प्राइम के बाद फिर को प्राइम, को प्राइम के बाद फिर मैंने बताया था इवन सम संख्या, फिर विषम संख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉइंट को आपको देखना है, एक्चुअली ये पॉइंट अगर आएंगे तो एक दो मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपका क्लियर हो जाएगा और ये फर्दर ये इन फ्यूचर काम भी आएगा, ठीक।